सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस के बारे में कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस का सामना किया था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक स्पेल रिंग की मदद से थैनोस के गाउनलेट वाले हाथ को क्यों नहीं काट दिया। अगर ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले कर दी होती तो इससे यूनिवर्स की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन थैनोस खत्म नहीं कर पाता, जिसके बाद वो लोग थैनोस को काफी आराम से हरा लेते, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या है वो सारी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, काफी लोगों ने मुझे कमेंट कर ये बात पूछी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर फिल्म में जब कॉल ऑब्सिडियंस ब्रूस बैनर और मिस्टर वॉन्ग पर भारी पड़ रहा था तो वहां पर मिस्टर वॉन्ग ने रिंग स्पेल की मदद से कॉल ऑब्सिडियंस को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन इस बीच जब स्पिल रिंग बंद हुआ था उस दौरान कॉल ऑब्सिडियंस का एक हाथ कट गया था। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि एमसीयू की हर एक फिल्मों में हमने किसी न किसी कैरेक्टर के हाथ को कटता हुआ देखा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, इन्फिनिटी और फिल्म में ही कॉल ऑब्सिडियंस के बाद अपने हाथ को काटा था ग्रूट ने, और ये सिलसिला एमसीयू की फिल्मों में काफी लंबा है। चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ फिल्म सिविल वॉर, एंटमैन, एज ऑफ अल्ट्रॉन या फिर एमसीयू की बाकी सभी फिल्मों की, हर एक फिल्म में हमने किसी न किसी कैरेक्टर के हाथ को कटता हुआ देखा है, जिसे हम एक हिसाब से एमसीयू की फिल्मों में एक ईस्टर एग कह सकते हैं, जो सीधे सीधे रेफरेंस देता है स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक फिल्म की। खैर, तो बात करें इन्फिनिटी वॉर फिल्म की, तो टाइटल बैटल के वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस स्पेल को काफी बार यूज किया कि वो लोग इस स्पेल की मदद से थैनोस को हरा पाए। तो फिर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने इस स्पेल को एक भी बार थैनोस पर यूज नहीं किया ताकि वो लोग इसकी मदद से थैनोस के उस गॉन्टलेट वाले हाथ को काफी आसानी से काट दे। वेल, तो इसका जवाब फिल्म के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स ने काफी साफ साफ शब्दों में कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चीज पहले ही ट्राई कर ली है, लेकिन अगर फिल्म को काफी ध्यान से देखा जाए तो हमें ऐसा कोई भी सीन फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो फिर रूसो ब्रदर्स ये कैसा दावा कर सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये चीज ट्राई की है थैनोस पर? वेल, तो उसका जवाब हमें मिलता है फिल्म के सीन्स को देखकर नहीं, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की उस बात को सुनकर, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये मेंशन करते हैं कि वो टाइम स्टोन की मदद से 14 मिलियन बार ये देख चुके हैं कि वो लोग इस बैटल को जीते या नहीं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एक ही विन बैटल का था। यानी इस दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस रिंग स्पेल को भी यूज किया जिसका कोई भी असर थैनोस पर नहीं हुआ, जिसके बाद कई बेवकूफ ऐसे भी थे जिन लोगों ने इसे फिल्म की एक बड़ी मिस्टेक बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज काफी आसानी से थैनोस के उस हाथ को काट सकते थे, लेकिन फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को मिस कर दिया गया। और उसके बाद वो टाइम स्टोन वाली थियरी, जिस पर काफी लोगों ने ये भी दावा किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज काफी अच्छी तरीके से किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पर डोरमामू को टाइम स्टोन के एक जाल में फंसा दिया था, जिससे डोरमामू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, और फिर डोरमामू ने काफी आसानी से हार मान ली थी ताकि वो इस टाइम लूप में फंसा ना रह जाए। तो वैसे ही टाइम स्टोन की मदद लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को भी यहाँ पर टाइम लूप में फंसा सकते थे ताकि थैनोस भी थककर हार मान ले। वेल, तो इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है, और वो जवाब है कि थैनोस के पास पहले से ही पावर स्टोन था और डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में डोरमामू के पास ऐसा कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, इसलिए डोरमामू वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के उस जाल में फंस गया। लेकिन यहाँ पर थैनोस इतना बेवकूफ नहीं है, उसे पता है कि टाइम स्टोन लेने जब थैनोस जाएगा तो टाइम स्टोन की मदद से थैनोस को वहाँ पर टाइम लूप में फंसाया भी जाएगा, इसलिए थैनोस ने सबसे पहले पावर स्टोन को चुना ताकि जब बाकी दूसरे इन्फिनिटी स्टोन्स को भी थैनोस पर यूज किया जाए तो थैनोस उन सभी स्टोन्स के पावर्स को काफी आसानी से रोक दे। तो ये चीज यहाँ पर हो गई क्लियर। अब आते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के गाउनलेट वाले हाथ को क्यों नहीं काटा। वेल, तो रूसो ब्रदर्स ने साथ ही साथ ये भी बात क्लियर की थी कि थैनोस की स्किन हल्क से भी काफी ज्यादा थिक है, जिसे आसानी से काटा नहीं जा सकता, और हमने इन्फिनिटी वॉर फिल्म के उस टाइटन प्लेनेट के भी बैटल पर देखा जहाँ पर थैनोस को सभी एवेंजर्स मिलकर हराने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पूरी तरीके से सभी सुपर हीरोज नाकाम रहे। और उसी टाइम पर हमने ये भी चीज नोटिस की होगी कि थैनोस पर काफी डेडली वार किए गए थे जिनका थैनोस पर कोई भी असर नहीं हुआ, और उसके बाद फाइनली टोनी स्टार्क ने थैनोस को एक स्क्रैच दिया, जिसके बाद तब जाकर हमने देखा कि इतनी मुश्किलों के बाद थैनोस को एक स्क्रैच मिला। और ये सीन हमें ये शो करता है कि सच में थैनोस की स्किन काफी ज्यादा थिक है, इसलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मैजिक रिंग स्पेल का यूज करते इस टाइम पर डेफिनेटली थैनोस का वो गाउनलेट वाला हाथ नहीं कट पाता और थैनोस इन्फिनिटी स्टोन की मदद से उस स्पेल को काफी आसानी से तोड़ देता, ठीक वैसे ही जैसे थैनोस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के हर एक स्पेल को तोड़ा था। तो अब मुझे लगता है इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक स्पेल रिंग की मदद नहीं ली थैनोस के उस हाथ को काटने के लिए। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इस बारे
बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।